शहबाज शरीफ के अपने दिमागी मसाइल के अलावा क्या मसाइल हैं? और जो इतना खजाने में पैसा खान साहब छोड़ के गए थे वो किधर किया है? तो हमें तो पहले से पता, तुम्हारे पास तो जैक खाने के भी पैसे नहीं थे। अवाम जिसे सिलेक्ट करती है लाए उसे ला के अवाम के सर पर बिठाए। मतलब इन्होंने पूरी अवाम जो है वो इन्होंने कह दिया था कि ये नकली है, ये वो फेक अकाउंट्स हैं जो बनाए जाते हैं, इनको किसी और तरीके से ग्रो किया जाता है, फिर ये सेल कर दिए जाते हैं। तो इनके सारे अकाउंट्स वो हैं, जैसे खान साहब इनको मुँह नहीं लगाते, हमने भी इनको मुँह नहीं लगाना। नाज़रीन इस वक्त हम ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद हैं और हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम जी, कोर्ट का जो फैसला आने वाला है, पूरी कैंपेन चला दी गई है मीडिंग की तरफ से, आज वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ उन्होंने भी मॉडल टाउन में इजलास किया, क्या कहेंगे? नहीं, शहबाज शरीफ के क्या मसाइल हैं? शहबाज शरीफ के अपने दिमागी मसाइल के अलावा क्या मसाइल हैं? मतलब आप लोगों ने इतना इतना कर्जा लिया है जो मुल्क के लिए, वो आप लोगों ने अपनी गाड़ियाँ मंगवाने के लिए लिया है, और ये जो आपने इतना जो मतलब जब हम सुन रहे हैं चाइना से कर्जा लिया जा चुका है, फलां जगह से कर्जा लिया, तो वो कहाँ किया है आप? और जो इतना खजाने में पैसा खान साहब छोड़ के गए थे वो किधर किया है? और अगर फिर भी इनके पास नहीं है ऑप्शन, तो खान साहब ने बड़ा ओपनली कहा है, कई दफ़ा लिख के लगाया कि हम इनको एक टेलीथॉन करके दे देते हैं, हम इनको चंदा इकट्ठा करके दे देते हैं। इलेक्शन ना कराना तो कोई बात नहीं है, आईन और कानून के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना बनता है। तो फिर हुदा एलिस शहबाज शरीफ के वो एक तरफ बैठ के कह रहे हैं जी कि हमारे पास अभी खराज आती है, तुम्हारे पास हमें तो पहले से पता, तुम्हारे पास तो जैक खाने के भी पैसे नहीं थे, तो फिर तुमने इतने खर्चे कर लिए हैं ना, तो कोई नहीं, हम तुम्हें टेलीथॉन करके चंदा इकट्ठा कर देते हैं, तुम कराओ सही इलेक्शन। इमरान खान कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो चाहिए, जो आइन के मुताबिक होने भी चाहिए, तो लेकिन दूसरी साइड पर पीडीएम कह रही है कि नहीं इलेक्शन हमने करवाने नहीं, तो कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकलना चाहिए? नहीं, पीडीएम तो कह रही है कि हम कराना चाहते हैं, इमरान खान नहीं करा रहा। वो आपने मरियम औरंगजेब की स्टेटमेंट नहीं देखी, शायद उन्होंने चीख 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 के गला फड़ फड़ के ये बात की है। तो बीबी हम तो कह रहे हैं आप इलेक्शन कराएं तो सही, बिस्मिल्लाह करें, अवाम तो कह रही है आप इलेक्शन कराएं, हम आपको बताते हैं। और यही तो बात है, सारी बात यही है, सारी लड़ाई यही है कि हमें कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ इलेक्शन कराएं, अवाम जिसे सिलेक्ट करती है लाएँ उसे ला के अवाम के सर पर बिठाएं, आप कराएं तो सही, बिस्मिल्लाह करें। आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं, तो आपने जो एक ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया हुआ तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो इसका मकसद क्या है? देखें, शहर बानो, फयाज शाह और मैं, हम तीन लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। शहर बानो का आइडिया था ये, अल्लाह ताला उस बच्ची को सलामत रखे, वो हमारे मुल्क का ब्राइट फ्यूचर है। इसे शुरू करने का मकसद ये था कि इन्होंने हम पे एक इल्ज़ाम लगाया था पास्ट में कि ये पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं इनकी कोई रीच हीच नहीं है, ये बोर्ड्स हैं। मतलब इन्होंने पूरी अवाम जो है वो इन्होंने कह दिया था कि ये नकली है, ये अवाम नहीं होती, ये इनके अपने फेक अकाउंट्स हैं। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो हमने इन लोगों के अकाउंट्स पहले चेक किए, इन सब के जितने पीडीएम और लिफाफा साफ़ी हैं, इनके अकाउंट्स परचेज्ड अकाउंट्स हैं, नकली अकाउंट्स हैं, जीरो से स्टार्ट हुआ हुआ अकाउंट नहीं है, ये वो फेक अकाउंट्स हैं जो बनाए जाते हैं, इनको किसी और तरीके से ग्रो किया जाता है, फिर ये सेल कर दिए जाते हैं। तो इनके सारे अकाउंट्स वो हैं, आप अगर इनकी टाइम लाइन पर जाएँ ना, तो इनके टाइमिंग के अकॉर्डिंगली 24 घंटे बाद इतने बड़े अकाउंट पर 1000-2000 लाइक होता है, जबकि इतने बड़े अकाउंट पे कम से कम 40,000-10,000 लाइक होना चाहिए पिक्चर्स पे, तो वो नहीं होता। तो ये सारे अकाउंट्स फेक थे। तो हमने स्टार्ट किया कि हमारे जो इंसाफियंस थे वो जाके इनको गालियां दिया करते थे या बुरी बातें लिखा करते थे या इनसे लड़ते थे, तो इनकी रीच बढ़ जाती थी। तो अब हमने अपने ही लोगों को कहा कि किसी ने जाके इनको कॉमेंट नहीं लिखना, जैसे खान साहब इनको मुँह नहीं लगाते, हमने भी इनको मुँह नहीं लगाना, क्योंकि हमें पता पूरे पाकिस्तान में 5% तो अवाम है जिन्होंने इनके साथ खड़े होना, बाकी सारे तो पाकिस्तानी एक तरफ खड़े हुए हैं। तो जब अब बाकी सारे पाकिस्तानी जाके इनकी प्रोफाइल्स में नहीं बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्निकली इनकी प्रोफाइल्स नीचे आएंगी, तो इनको खुद ही तारे नजर आ जाएंगे। तो अब हमने प्रॉपरली इनको टेक्निकल वे पे टैकल करना शुरू किया।